सरप्राइज मदर के फखर फखर प्राउड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और जैसा कि कल आप सबसे मैंने वादा किया था कि हम अपने जो हुलिया है वो तकरीबन तकरीबन हम बदल डालेंगे, यानी कि आज के व्लॉग में। और जी, बदल डाला अपना हुलिया और कम्प्लीटली एक न्यू लुक में आपके सामने हमाद मुगीरा हाजिर होता है। और ये चेंज लाजमी चाहिए था। एक तो वजह ये थी कि इतने बड़े बड़े बाल और इतनी बड़ी दाढ़ी ने ना अजीब सा बोझ डाला हुआ था, और तबीयत भी वैसे काफ़ी सारी नासाज थी, और जो तबीयत है वो थोड़ी ब्लड वाली थी। तो ये जो हेयर्स होते हैं ये ब्लड को काफ़ी ज़्यादा चूसते हैं, पीते नहीं हैं, चूसते हैं। तो इसके बाद अपने हुलियों को तब्दील करने के बाद मैं आज काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। वीकनेस है लेकिन उस तरह का कोई फीवर और इस तरह का कुछ भी मुझे महसूस नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग सो मच बेटर अबाउट इट। बाकी ये है कि यार आप, मैं दवाएं कर रहा हूँ, आप सब दुआएं करें, और बहुत सारे लोग कर रहे भी हैं। लिटरली मीन्स अ लॉट टू मी और आई एम फीलिंग मच बेटर। एंड यस, टेल मी अबाउट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस न्यू लुक एंड ऑल। मैं प्यारा लग रहा है ना यार, क्या बात है। मतलब काश कोई इस तरह का मैंने प्ले करना होता इसी उसमें हुलिया में, तो कितना मज़ेदार आता है। एक न्यू करेक्टर के साथ उतरते, एक न्यू चीज़ के साथ हम उतरते। तो खैर, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द लॉकडाउन ख़त्म होगा, हम सेहत याब हो जाएंगे, फिर हम बहुत सारे थिएटर प्लेस करेंगे और बहुत सारा काम करेंगे। दुआएँ करेंगे, पहले तो भाई ठीक हो जाए, दूसरा फिर ये लॉकडाउन जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, या कोरोना जान छूट जाए इसे। सो तब तक के लिए बाकी ये कमेंट्स में बताओ ना ज़रा भाई का ये जो न्यू लुक है ये कैसा लग रहा है। उम्मीद है कि आपको पसंद ना आए, अजीब लग रहा हो, लेकिन आई एम फीलिंग मच बेटर एंड आई एम फीलिंग गुड। सो इतना कुछ था आज के व्लॉग के लिए। इंशाल्लाह जी मिलते हैं हम अपने व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।